वीडियो क्लियर है बच्चों? बच्चों आ गए? बच्चों ठीक है, देखो ये क्या है बच्चा लोग, ये पाई आर स्क्वायर इंटू थ्री, एरिया ऑफ क्यूपाइड बाय एटम इनसाइड यूनिट सेल, एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम इनसाइड यूनिट सेल, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि जो एरिया ऑक्यूपाइड है एटम का इनसाइड यूनिट सेल, उसका वैल्यू है पाई आर स्क्वायर इंटू थ्री, ठीक है। अब मेरी बात को सुने, अब हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए देखिए, इसका डायरेक्ट एरिया निकाल पाना संभव तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इन सभी के एरिया को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ यूनिट सेल। तो ये कर दिए, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a², ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकलता है √3/4a² से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, यहाँ पे यहाँ सीधा कर देंगे कि a का वैल्यू क्या, आपका a इज इक्वल टू 2r, तो 2r का स्क्वायर इंटू √3/4, 4 कट गया, √3r² आ गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब कैसा है कि चूंकि इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पुट कर देंगे कि पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 3 × π r² डिवाइड बाय 6√3r² × 100, ये कट गया, ठीक है। यहां से 3 2 50 π/√3 × 50, ठीक है। तो बच्चों जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा वैल्यू आता है 91%, ठीक है। अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी कितना निकल गया आपका, 91%। तो ये बात आप याद रखिएगा, तो मतलब 2D में दो अरेंजमेंट हमारे पास मिला, एक में एफिशिएंसी आया 78% और दूसरे में 91%। और आप पता होगा कि जब बिल्डिंग बनता है, हमारा घर जिसमें हम रहते हैं जो बना, तो पहले बेसमेंट तैयार होता है, बेस बनता है, फिर उसके बाद ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड, सारे बनते जाते हैं, है ना। पहले तो जमीन के नीचे जाके हम लोग बेस प्रिपेयर करते हैं, और बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा बिल्डिंग को आप उतने हाइट तक लेके जा सकते हो, ठीक है। बस वैसी 3D में भी बात है कि अगर आपको मोस्ट इफेक्टिव, है ना, मोस्ट इफेक्टिव पैकिंग वाला 3D यूनिट सेल चाहिए, हमारे पास बेस के लिए दो ऑप्शन है, आइदर फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट में जहां स्क्वायर यूनिट सेल था, सेकेंड में जहां हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ठीक है, हेक्सा 2D हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो अब इन दोनों में हमारे लिए बेस्ट कौन होगा, वो होगा जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी अधिक है, और पैकिंग एफिशिएंसी किसका अधिक है, सेकेंड वाले का, समझ रहे हो। तो कंडीशन क्या है कि अगर हम 3D में जाते हैं, 3D में जाते हैं बच्चा लोग, तो 3D में जाने के ड्यूरेशन में होता यह है कि हम इन दोनों में जो बेस्ट है उसको चूज करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, हेक्सागोनल वाला है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 91%। बट याद रखें, कभी कभी आपको ऐसे पूछा, बताओ सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी का यूनिट सेल कौन सा है, तो आप हेक्सागोनल ये 91 2D वाला मत बता देना, वो कुछ नहीं बोल रहा, मतलब 3D वाले का बात कर रहा है। और 3D में सबसे ज्यादा किसका होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, 74%, ठीक है। 3D में 74% से अधिक नहीं होता, और हम लोग कंपैरिजन जब भी करेंगे ना तो 3D के ही हिसाब से करेंगे, 2D अगर नाम लिया तब जाके बच्चा लोग आप आगे कुछ बोलना, ठीक है। और आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो ये है इसका डायग्राम, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, दिस इज आपका 2D, ठीक है। देखिए इस तरीके से रिपीट होकर इन्फिनिटी जाएगा इधर इधर, ठीक है।
ये इधर भी एक कॉमन रहेगा, ऊपर भी कॉमन रहेगा, इधर भी एक एक जो है कॉमन कितने में है, 3 में। तो एक कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, एक में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/3 का, ठीक है। ये कितने का दे रहा है, 1 का। लेकिन अगर ये चीज 3D में जा रहा है तो ये फिर 1/2 नीचे जाएगा, 1/2 ऊपर, ये 6 में कॉमन हो जाएगा। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा, 1/6 का देगा, ठीक है, समझ गए, कितने का देगा, 1/6 का देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारा, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक जो भी बातें थी मैंने आपको बता दिया, मैं आपको समझा दिया। अब याद रखना कि अगर इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के अरेंजमेंट को 3D में आप सपोज यूज करते हैं, 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आप इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप का अरेंजमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पे दो टाइप का यूनिट सेल यहां से भी हमको मिलता है, ठीक है। देखिए ऊपर से अगर यहां देखने की कोशिश करें, ऊपर से देखिए वही वाला दिख रहा है, हेक्सागन दिख रहा है। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो जब हम लोग हेक्सागन को लेके आते हैं, कहां पे हेक्सागोन को लेके आते हैं, 3D में, बच्चा लोग है ना, 3D में लेके आते हैं, तो क्या होता है ना कि दो टाइप का यूनिट सेल यहां से मिलता है। एक होता है सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैक्ड, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। सीसीपी और एफसीसी को दोनों हम लोग एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। सीसीपी में बेस जब हम ये ले रहे हैं, बेस ये ले रहे हैं, ठीक है, और एफसीसी और सीसीपी में क्या डिफरेंस, आगे जब पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। बट याद रखना कि यहां दो टाइप के यूनिट सेल जनरेट होंगे, एक सीसीपी और दूसरा बनेगा बच्चा लोग एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये जो एचसीपी है, JEE नीट बोर्ड, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको एचसीपी मुझसे पढ़ना है या आपको आता है? अगर आप पढ़ना बोलोगे तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, और नहीं बोलोगे तो आप, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको अच्छे से आता है तो रहने देता हूं, आगे बढ़ता हूं, और अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। जल्दी बोलो क्या करना है। ओके ठीक है, मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, मेरे सामने मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब आपने क्या सीखा कि हमारे पास 2D में टू ऑप्शन, एक तो ये, दूसरा ये, एक में स्क्वायर, दूसरे में हेक्सागोन। 2D पैकिंग 78, 2D पैकिंग 91। तो बेस में अगर ये लेंगे, यहां से सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर बनेगा, यहां इसको लेंगे तो ये सीसीपी देगा, या फिर देगा कि आपका एचसीपी देगा, ठीक है, समझ गए। तो ये याद रखिएगा कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट व्हेन रिपीटेड इन 3D गिव्स राइज टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ठीक है, समझ गए, गिव्स राइज टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी एंड क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ओके, एंड विच इज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इक्विवेलेंट टू एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसीलिए इसको हम कभी कभी सीसीपी से लिख देते हैं, बट सीसीपी अलग होता है, ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट है, एक जैसा है, ठीक है, समझ गए बच्चा लोग। तो 2D का यहाँ पे कल्याण हो गया, कल्याण खत्म, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, 3D पे, 3D पैकिंग पे, थ्री डायमेंशनल पैकिंग पे, ठीक है। और ये 3D पैकिंग ऐसे फालतू फंड का पैकिंग नहीं, 3D क्लोज्ड पैकिंग, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, थ्री क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो जैसे आपने देखा था कि लाइन बनाने के पॉइंट लेना पड़ता है, तो पॉइंट बार बार रिपीट हुआ, लाइन बना, लाइन बार बार रिपीट हुआ तो क्या बना, प्लेन बना। तो बच्चा लोग यहां पे लाइन जब बार बार लेते, तो एक लाइन को ए, दूसरे को बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे लिखते थे। जैसे अगर यहां हम बात करें तो किस टाइप का लाइन है, ए बी ए बी ए बी ए बी, और यहां पे कैसा था,
ए ए ए ए सारे लाइन एक जैसे, तो वैसे ही बच्चों लोग हम लोग यहाँ पे प्लेन को रिपीट करेंगे बार बार। जब प्लेन को रिपीट करेंगे तो हम 3D बनाएंगे, और इसमें हम पढ़ने जा रहे सारे नहीं, क्लोज पैकिंग 3D। अब मेरी बात बताऊं, सबसे पहले 3D अरेंजमेंट अगर आप करने जा रहे तो सबसे पहले हमें बेस तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस के लिए हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा, इस प्लेन के ऊपर ही प्लेन, प्लेन के ऊपर प्लेन रखेंगे तो 3D बनेगा। तो बेस जो बनेगा उसके, उसका नाम हम लोग देते हैं ए लेयर, ए लेयर, ठीक है। अब ये जो ए लेयर है उसमें कौन सा 2D यूज करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन है हमारे पास कि फॉर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग कौन सा बनाएंगे बच्चों लोग, फर्स्ट लेयर, ठीक है। देखो हमारे पास फर्स्ट के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है, एक HCP वाला है, दूसरा आपका स्क्वायर वाला है। तो आप बताओ किसको यूज करना आप पसंद करेंगे, किसका यूज करना आप पसंद करेंगे, स्क्वायर वाले का या HCP वाले का। बोलो, अरे बोलो, आप कौन से लेयर को, कौन से 2D को लेना पसंद करोगे, जिसमें स्क्वायर यूनिट सेल है उसको, या जिसमें हेक्सागोनल है उसको। गिव मी आंसर प्लीज, आप किसे लेना चाहेंगे फॉर फर्स्ट लेयर। आंसर तो दो, कोई तो दो बच्चा। Yes. सिद्धि का आंसर आया, बिल्कुल सही बेटा। सिद्धि मेरी बात सुनो, सारे बच्चे सुनो बात, कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर स्क्वायर और आइदर हेक्सागोन। हम किसे प्रेफर करेंगे, हेक्सागोन को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हेक्सागोन वाला का पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, ठीक है। तो हम उसी को बेस में लेना पसंद करेंगे जो ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जो ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है, जो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा कंडीशन है, क्या कंडीशन है मैंने आपको बता दिया कि भैया हम लोग क्लोज पैकिंग 3D बताने जा रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट लेयर ए लेयर लेंगे, एंड फॉर दैट वी हैव 2 ऑप्शन, आइदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी वी विल सेलेक्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए हमने क्या किया, सेलेक्ट किया कि कौन सा, हेक्सागोनल वाला। अब हम यहाँ पे हेक्सागोनल वाले को ड्रॉ करेंगे एक बार बच्चा लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कंडीशन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक बात समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए लेयर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे ध्यान से, ए लेयर। अब ए लेयर के लिए देखिए कंडीशन क्या है, पहले हमें ए लेयर बनाना पड़ेगा कायदे से,
ठीक है, ये हमारा ए लेयर है, इस लेयर का हमने नाम दिया ए लेयर। ठीक है, ए लेयर, ये ए लेयर है बच्चा लोग। इसी लेयर में जैसा आप देखें तो यहां से यहां डिस्टेंस क्या है, 2R, ठीक है ना। इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ये भी 2R। इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस क्या है, ये भी 2R। सारे डिस्टेंस क्या है आपका, 2R 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 है। ओके, ये तो बात याद रखना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा कंडीशन कि यहां पे देखो ये सारे ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो आप, सारे ट्रायंगुलर वॉइड। अब हम क्या करेंगे कि जो ये ट्रायंगुलर वॉइड है ना, इस ट्रायंगुलर वॉइड को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देखिए जरा, ये ट्रायंगुलर वॉइड, जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड है उसमें से 50% ऐसा होगा, 50% जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड होगा, और 50% ऐसा होगा जिसका वर्टेक्स अपवर्ड होगा। ओके, मतलब आप ये देखो कि ये देखो दो, और नीचे इसका वर्टेक्स किधर है, डाउनवर्ड, इसका वर्टेक्स किधर है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो हमेशा अल्टरनेट आपको ऐसे मिले, जैसे देखो ये डाउनवर्ड, इसके बाजू में क्या मिलेगा आपको, अपवर्ड, ये देखो अपवर्ड, इसके बाजू में क्या मिलेगा, डाउनवर्ड, ऐसे मिलता है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो भी है, ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग द ए लेयर ऑल द वॉइड फॉर्म आर ट्रायंगुलर एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दैट इज डॉट टाइप ऑफ वॉइड एंड क्रॉस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, एक है आपका डॉट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड और दूसरा है क्रॉस टाइप का। अब बोलोगे सर किस बेसिस पे नाम देते, इसमें कोई बहुत बड़ा महारथपन नहीं है, सीधा सीधा बात है कि जिसमें दो अपर लेयर में रहेगा और एक बॉटम लेयर में रहेगा, दैट इज जिसका वर्टेक्स रहेगा इस तरीके से डाउनवर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे डॉट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। ओके, और जिसमें टू रहेगा बॉटम पे एंड वन रहेगा आपको अपर लेयर पे, दैट इज इस तरीके से जहां पे अरेंजमेंट रहेगा, इसको हम नाम देंगे बच्चा लोग क्रॉस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब अगर आप अलग बुक में जाते हैं, अलग टीचर से पढ़ते हैं, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हमने इसको चूज किया। इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, समझाने के पर्पस से मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, बुक वाले भी ऐसा लिखते हैं, आप इसको क्रॉस भी बोल सकते हैं, इसको भी डॉट बोल सकते हैं, लेकिन अगर एक को डॉट बोलेंगे दूसरे को क्रॉस, आप एक को ए बोलोगे दूसरे को बी बोलो, आप एक को एम बोलोगे एक को डब्ल्यू बोलो। ठीक है, आप नाम भी रख सकते हो, मान लो ये सुबोध है और ये अनुज है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, आप निरंजन बोलो, जो बोलना है बोलो, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, किसी भी नाम से बुला सकते हो, बस नेमिंग के लिए, बस इसीलिए दिया गया डॉट, टू अपर लेयर एंड वन बॉटम लेयर, तो डॉट, टू बॉटम लेयर एंड वन अपर लेयर, तो क्या हो गया क्रॉस। तो क्या आपको डॉट और क्रॉस पहचानना आ गया, लेकिन मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इसी हिसाब से पढ़ो कि 50% वॉइड जो यहाँ पर ट्रायंगुलर वो डॉट टाइप का होगा एंड 50% वॉइड आर इनवर्ट क्रॉस टाइप। जैसे अगर हमको यहाँ पहचानना है, देखो टू अपर एंड वन बॉटम, तो ये क्या हो गया डॉट, दिस इज व्हाट क्रॉस, डॉट 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 क्रॉस, डॉट। ठीक है, तो जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड थे अपने पास, उन सबको मैंने ऐसे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 50% हो गया आपका डॉट वाला, डॉट टाइप, एंड 50% हो गया आपका क्रॉस टाइप। ठीक है, तो दोनों टाइप के अपने पास डॉट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड भी है और क्रॉस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड भी है। ठीक है, नंबर वाइज दोनों ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, अंडरस्टैंड, क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत किसी को है क्या? बोलो बच्चों, बच्चों बोलो, ठीक है, बोलो बच्चों।
एक बार यहां तक बता दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखिए, और ये है डायग्राम, पहले बताओ तब डायग्राम दिखाएंगे यार, पहले सारे बच्चे बताओ। समझ में आया यहां तक किसी को? दिक्कत है आगे? हे राम या अल्लाह, तबियत खराब यार। बोल बोलो, आ गया? इधर देखो, ये देखो, अब ये देखो, जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना आपको, ये तो हम स्फेयर को रखे हैं और ए लेयर को प्रिपेयर किए हैं, और बाकी जो येलो येलो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ट्रायंगुलर बॉयड, बट इसने नेमिंग किया है सी बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, ऐसा ठीक। बट मैंने क्या दिया? डॉट क्रॉस। तो ये क्या? डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट, ऐसा ही तो है। ठीक है, समझ गए बच्चे लोग? अब अपन जाएंगे फोर सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर कंप्लीटेड। ठीक है, हम जाएंगे बच्चा लोग सेकेंड लेयर पे, दूसरा हमारा है सेकेंड लेयर। ओके, अभी जो सेकेंड लेयर है इसको हम नेम कर रहे हैं, इट इज नेम्ड नेम्ड एज बी लेयर। ठीक है, बी लेयर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब सुन लो सीधी बात कि बी लेयर के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप एटम इस पे रखो या इस पे रखो। और याद रखिएगा कि एटम को आपने अगर डॉट पे रखे तो सारे डॉट वाले ही ऑटोमेटिक कवर होंगे, और अगर एटम को आपने क्रॉस पे रखे तो सारे क्रॉस वाला ही कवर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप? मेरी बात को समझ पा रहे हो आप मैंने क्या कहा? हाँ ना मैं जवाब देते जाओ जल्दी जल्दी, हाँ ना मैं जवाब देते जाओ, सारे बच्चे जवाब दो, एक एक बच्चा जवाब दो अभी, क्योंकि इमेजिन करना आपको लिखना नहीं है, सारा कुछ बुक में दिया है। दिस चैप्टर इज 100% इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर, एंड इमेजिन बाय यूजिंग थर्ड आई, एंड जब जब आप अपने थर्ड आई को ओपन करेंगे सारा बात सारा पिक्चर आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर आप सेकेंड लेयर रखने जा रहे हैं इसके ऊपर, तो एटम के ऊपर एटम रखोगे तब तो गिर जाएगा इधर उधर, तो कहाँ रखेंगे? बीच में, जैसे देखते थे ना इस तरीके से रहता था, तो तीसरा यहाँ बीच में गया। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो एटम आएगा डॉट पे या क्रॉस पे, आप चूज करो किस पे रखना है। लेकिन एक बार जब चूज कर लेंगे उसके बाद आपके हाथ से रास्ता निकल जाएगा। अगर आपने डॉट को चूज किया तो सारा डॉट वाला ही वॉइड कवर हो जाएगा, और अगर आपने क्रॉस को चूज किया तो सारा क्रॉस वाला ही वॉइड कवर होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने डॉट को चूज किया तो सारे डॉट वाले ही कवर होंगे, अगर आपने क्रॉस को चूज किया तो सारे क्रॉस वाले ही कवर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सारे डॉट कवर होंगे या सारे क्रॉस कवर होंगे, ये कंडीशन जो है इसको आप ध्यान रखना, कंडीशन को समझ के रखना। ओके, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू मैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, समझ गए? अब मेरी बात सुनो, हमारे पास अभी एक लिमिटेशन है कि हम दोनों को नहीं भर सकते, किसी एक को ही भर सकते हैं। ठीक है, हम डॉट वाले को भरे या क्रॉस वाले को? अगर डॉट वाले को भरेंगे तो क्रॉस खाली रह जाएगा, क्रॉस को भरेंगे तो डॉट खाली रहेगा। अगर डॉट तो सारे डॉट भरेंगे, क्रॉस तो सारे क्रॉस भरेंगे। ठीक है, दूसरी बात बच्चा लोग, मान लो मैंने डॉट को भर दिया, ठीक है, देखते जाइए, इस तरीके से डॉट को मान लो भर लिया, ठीक है, देखो ये डॉट भर गया, तीन जो डॉट के ऊपर एक ब्लू वाले रख दिए, थ्री डॉट के ऊपर ब्लू वाला, थ्री डॉट के ऊपर ब्लू वाला। मेरी बात को जरा गौर से सुनना,
ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर जब एटम रखते हैं तो वॉइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। मेरी बात समझिएगा कि जिस ट्रायंगुलर वॉइड पे आपने एटम को रखा वो सारे ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो तीन एटम नीचे और इसके ऊपर एक और एटम आ गया, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो याद रखना कि जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड थे डॉट वाले जिसमें हम एटम रखने जा रहे वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? टेट्राहेड्रल वॉइड में। और जिसमें आपने नहीं रखा उसमें देखो तीन नीचे और तीन ऊपर आ गया, ये कैसा बन गया आपका? देखो क्रॉस वाला भी गैप खाली है, ये कैसा बन गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बताएं मैं आपको कि सेकेंड लेयर रखने के बाद जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड थे उसमें से 50% कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड में और 50% कन्वर्टेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या मेरा ये लाइन आपको समझ में आ रहा है? क्या मेरा ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रहा है बच्चों? बात मैं ये बता रहा हूं कि आप जो फर्स्ट लेयर को कवर करने जा रहे हो उसमें एटम या तो आप डॉट पे रखेंगे या क्रॉस पे रखेंगे। तो जब आप एटम डॉट पे रखेंगे तो कैसा सिचुएशन आएगा कि पहले से ऐसा तीन ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है, यहां पे एटम को अगर आप रखते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एटम रखने के बाद ये कैसा बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जितने डॉट पे हम एटम रखेंगे वो सारे डॉट वाले किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड में। और दूसरी बात आप देखिए, दूसरे तरीके से क्रॉस वाले के साथ क्या हो रहा है? क्रॉस वाले पे एटम तो नहीं जा रहा है लेकिन इस तरीके से अरेंजमेंट हो जा रहा है, तो एक ट्रायंगल नीचे और एक ट्रायंगल ऊपर, ये कंटिन्यू गैप हो जा रही है, कौन सा वॉइड हो गया आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ रहे हो? तो बात यह है कि जिस पे हमने एटम रखा वो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड और जिस पे हमने नहीं रखा वो बन गया व्हाट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमारे पास सेकेंड लेयर रखने के बाद ऑल ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू टेट्रा एंड ऑक्टा, 50% ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 50% कन्वर्टेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या आपको बात समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज, आंसर दीजिए सारे बच्चे, आंसर दीजिए सारे बच्चे, आंसर दीजिए। अब ये डायग्राम आप देखो बच्चों, डायग्राम देखो गौर से, ध्यान से देखना, एकदम नजर नहीं हटना चाहिए, जो जो बोलेंगे वही वही देखना, ठीक है। सबसे पहले ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो ना ये फर्स्ट लेयर है और ये ब्लू वाला देख रहे हो ना ये सेकेंड लेयर है। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि इस ट्रायंगल के ऊपर, मतलब हमने एक ब्लू रख दिया, तो आप खुद इमेजिन करो इतना देखकर कि तीन मतलब ट्रायंगुलर वॉइड पे हमने एक रखा है ब्लू वाला। अरे पागल कहां भाग गया रे? हाँ देखो, हाँ तो ट्रायंगल पे अगर हम एक रख दिए तो देखो क्या हो गया, ये क्या कन्वर्ट हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो देखो बच्चा लोग, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया, ये भी बन गया क्या आपका टेट्रा। कैसे? ये सारे रेंज होके तीनों ऊपर से ब्लू और एक नीचे से चला गया क्या आपका ब्लैक, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया टेट्रा, ये बन गया टेट्रा, ये टेट्रा। उसके बाद बच्चा लोग ये टेट्रा, ठीक है, इसके बाद ये भी टेट्रा, इसके बाद ये भी टेट्रा, इसके बाद ये भी, इधर तो नहीं है। अब देखो तो टेट्रा ऑक्टा दिखाता हूं, तीन ब्लैक नीचे जिसका वर्टेक्स अपवर्ड है और तीन ब्लैक उसके ऊपर जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल का अरेंजमेंट दो तरीके से होता है, एक फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अब आप देखिए ये जो आप देख पा रहे हो ये किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ये क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ठीक है यार, ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ठीक है, ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? और ये क्या हो गया ऑक्टा? ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए
टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 50% टेट्रा 50% ऑक्टा, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्रा। कैसे, जिस ट्रायंगल के ऊपर हम रख रहे हैं, तो ट्रायंगल के ऊपर जब रखते हैं ट्रायंगुलर प्रति बन जाता है ना टेट्राहेड्रल, और रेडियस रेशियो कितना 0.225 भी बताई दिए। और इधर देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कैसे ट्रायंगल नीचे और एक ट्रायंगल ऊपर, तो क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पूरे दिल दिमाग में सेट हो गया क्या आप लोगों का, जल्दी आंसर दो, पूरे तरीके से सेट हो गया या कुछ बाकी है, पूरे तरीके से सेट हो गया या कुछ बाकी है, कुछ बाकी है तो मैं उसको भी फिलअप करने की कोशिश करूंगा। आप ये बताओ पूरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सारे बच्चे मैसेज करना, किसी ने मैसेज नहीं किया मैं फोन अपना तोड़ दूंगा। सुनो फिर कल तुम लोग फोन वहां से भिजवाना, आईफोन खरीद के 1,00,000 रुपए का। चलिए बच्चा लो एकदम रेडी रहो, एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए एकदम शानदार सा। प्ले तो हो जा भाई, तो अब क्या कंडीशन हो गया पूरी बात यहां पे, कि सेकेंड लेयर it is named as B layer and it is based on triangular void and first layer में सारे जो triangular थे उसमें से dot और cross कर दिए। हमने क्या बोला, covering any one type of void, ठीक है, will not affect the efficiency, so second layer is also same in both arrangement, ठीक है, आप जैसा भी arrangement करो फर्स्ट के बाद सेकेंड लेयर जैसा है सभी में ऐसा ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा से ध्यान रखना, ठीक है बच्चा लोग, ये कंडीशन जो मैंने बता दिया है इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। अब उसके बाद क्या है, इस सेकेंड लेयर में क्या हो रहा है कि ऑल द वॉइड्स आर कन्वर्टेड आइदर इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, और इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में वो कन्वर्ट हुआ जिसपे हमने एटम रखा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में वो कन्वर्ट हुआ जिसपे हमने एटम नहीं रखा। अब देखिए, सो फॉर थर्ड लेयर वी अगेन हैव टू ऑप्शन, आइदर एटम प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड और एटम प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है बच्चा लोग, कि हम या तो एटम को रखें टेट्राहेड्रल वॉइड पे, जैसे आप देखिए मान लीजिए अगर ये है, इसके ऊपर हम यहां रख रहे तो ये टेट्रा में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, या फिर इस तरीके से अरेंजमेंट में रहेगा नीचे से रहेगा, तो ये भी टेट्रा ही है, तो यहां से ऊपर से एटम रखाएगा यहां नीचे से रखाएगा। तो देखिए हम कहना ये आपको चाह रहे हैं, सो फॉर थर्ड लेयर अगेन वी हैव टू ऑप्शन, आइदर एटम प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑन ऑक्टा, तब जैसे मान लो ये ऑक्टा है, यहां रखेंगे ऑक्टा के ऊपर, ठीक है, तो आप या तो बोलो कि टेट्रा पे रखो एटम को या रखो ऑक्टा पे, और बच्चा लोग प्लेन रिपीट हो रहा है कि डिफरेंट प्लेन है उसको नेमिंग किस हिसाब से देते मैं बताता हूं। अगर एक प्लेन रखे इसके ऊपर दूसरा प्लेन रख रहे और दूसरे प्लेन रखने के बाद अगर नीचे वाले प्लेन और ऊपर वाले प्लेन के एटम का सेंटर अगर एक लाइन पे मैच करे जितने भी हैं,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेम प्लेन रिपीट हो रहा है। और अगर सेंटर मैच नहीं करे, ठीक है, सेंटर मैच नहीं करे तो हम बोलेंगे कि डिफरेंट प्लेन रिपीट हो रहा है। जैसे हमने पहले ए लेयर लिया, फिर हमने बी लेयर बोला, क्यों? क्योंकि ए के बाद बी क्यों बोले, क्योंकि जो बी अरेंजमेंट था उसके एटम का सेंटर फर्स्ट वाले के एटम के सेंटर से मैच नहीं कर रहा था बच्चे लोग, इस वजह से, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, कंडीशन को मैंने आपको बताया है, सिचुएशन को मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एक एक बार, एक एक कंडीशन, एक एक कहानी मैंने आपको बताया है बच्चों लोग, ठीक है। इसलिए एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर देखो जैसे फर्स्ट लेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर रखे, ऊपर वाले एटम का सेंटर नीचे वाले एटम के साथ कोलैप्स नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये लेयर हो गया ए, इसके ऊपर वाला लेयर क्या हो गया बी, ए बी हो गया। दूसरी बात, आप मेरी बात को जरा ध्यान सुने, जैसे मान लो ये हमारा है टेट्राहेड्रल, ठीक है, यहाँ एटम को हमने रख दिया तो टेट्राहेड्रल, एटम को नीचे से मान लो रख दिया टेट्राहेड्रल वर्ट, ये जिस लाइन पे जा रहा है उसी लाइन पे ये, मतलब ये दोनों एक सा प्लेन हो गया, ठीक है। मतलब मान लो इसको बोल दिए ए, इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा ए। तो कंडीशन क्या आ गया कि अगर एटम को आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और अगर आपने देखो जैसे ये हो गया आपका ऑक्टा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो इस प्लेन वाले और इस प्लेन वाले किसी का एटम मैच नहीं कर रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम अगर रखते हैं, इसके सेंटर पे कोई और भी किसी का सेंटर मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये मान लो गया ए, ये बी, और ये क्या आपका सी। लेकिन इसके नीचे अगर जब आप एटम यहाँ रखेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में तो दोनों साइड से रख सकते हैं, देखो ये जो स्टार बन रहा है इसमें तो एटम ऊपर भी जा सकता है यहाँ और नीचे भी जा सकता है, तो ये प्लेन और ये प्लेन का सेंटर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो एटम गया और जो एटम नीचे गया उनके सेंटर आपस में कोलैप्स कर रहे, तो हम बोलेंगे जो प्लेन ये है सेम प्लेन वही है। मतलब अगर नेम दिया इसका ए, एक बी, और ये सी, और फिर से क्या गया ए, तो जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए हम बोलते हैं अब भैया यहां से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो कंडीशन याद